गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिरमनी, मैं जेपी इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट के बारे में मैं पहले बता चुका था। अब मैं एक्सरसाइज 2C का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। चार क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 2/5 माइनस क्यू इज बराबर व्हाट। तो इसका वैल्यू यानी इसका मान निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो एक्सपोनेंट में हम बताए थे कि a का पावर -1 बराबर इसका फार्मूला होता है 1/a। क्या होता है? 1/a होता है। तो मान लिया जाए कि a, इसको हम मानते हैं a, जो एक मिनट यहाँ पे देखिए 2/5 जो है इसका वैल्यू यहाँ पे है -3। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स में रहता है यानी माइनस में रहता है, तो चेंजिंग हो जाता है ना। तो यह हो जाएगा आपको क्या 5/2 और पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा, 3 हो जाता है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 5/3 बार में 5:5:5 y 2:2:2 क्या होगा 5 × 25 y 2×2 = 4 × 2 = 8 यानी आपका ए आंसर हो गया 125y a। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ 3^-1 + 4^-1 ए छोटी कोस -1 / 5 × 1 ई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि हम बताए थे कि a का पावर -1 होता है, तो इसका फार्मूला क्या था 1/a। उसी तरह से इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है -3^-1 + 4^-1 छोटी कोस स्मॉल कोस भी कर सकते हैं इसमें, डिवाइड बाय 5^-1 ई भाग। तो इसको हम बताएंगे कि यहाँ पे जो है ये बेस हो गया, ये क्या हो गया पावर हो गया, है ना। आपका पावर -1 है, यहाँ पे ये बेस है, ये -1 जो पावर है इस सिचुएशन में रहता है, तो वह हो जाता है इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी इसको लिखेंगे 1/3 + 1/4 यहाँ पे फिर है -1, इसको भी देख -1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे डिवाइड में। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 12। तब 12 है, अब इसमें हम इसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, तो कितना बार लगेगा 3×4 = 12 यानी यहाँ पे 4 है, 4 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम इसको गिर देते हैं उसके बाद डिवाइड 1/5। अब यहाँ पे चलते हैं 7/2 अगर क्या है डिवाइड है, तो इसको क्या करेंगे अल्टर कर देंगे यानी उलट देंगे, तो हो जाएगा 7/5 = 35 और y क्या हो जाएगा 2a। तो इसका ये आपका हो गया। अब सॉरी एक मिनट, यहाँ पे भी इसका पावर था -1 था, तब इसको -1 किया तो कितना निकल के आ गया 7/2 और पावर -10 डिवाइड बाय 1/5। अब यहाँ पे चलते हैं और ये उलट देंगे, इसका ये हो गया आपका 1/5 क्या होगा, तो 12/7 और डिवाइड है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करते हैं, तो 5/1 हो जाता है और फिर क्या 5 12 5 = 60 और 7 = 7 यानी 60/7 आंसर। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देख लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ a फॉर ईच 7y² - 4 × 7y² / 3x = 7y² / 5 ईच। कहने का मतलब है
7 by 2 a per power 3 is equal 7 by 2 a per power 5 e. इसका मान क्या हो सकता है? यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व क्या लिखेंगे? 7 by 2 a 7 by 2 a per power minus 4 into 7 by 2 a per power 3 is equal 7 by 2 per power 5। तो इसको पहले हमने क्वेश्चन में बताया किस तरह से, लेकिन फिर भी देख लेंगे जब हम बताया थे इसको हम क्या मानेंगे। इस 7 ये जो 7 7 by 2 जो है यहां पे है, ये हो गया आपका बेस। क्या हो गया? ये बेस हो गया। इसको माइनस 4 है, इसको हम कर सकते हैं एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं या पावर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पावर। तो इस सिचुएशन में यदि बेस सेम होता है, यदि बेस क्या है सेम है, यहां पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होता है जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 by 12 को हम कॉमन ले लेंगे। 7 by 12 को क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और ऊपर का जो बेस पर का जो पावर है माइनस 3 और 3x जो है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जहां पे ऐड करते हैं माइनस 4 प्लस 3x इक्वल 7y 2b पर पावर माइनस 5। अब हम आपको बताए थे कि यदि 7y 2b पर 7y 2b बेस है या 7y 2b इक्वल के बाद के बेस है, तो वह क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या होता है? इसी से कट गया। अब हमको लेना देना कैसे है? x का, क्योंकि हम यहां पे लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x का मान निकालना है। इसको हम देखेंगे कि -4 प्लस 3x इक्वल 5, तो x का मान क्या होगा? ओके आगे यहां पे देखेंगे 3x अभी है -4, तो इसको हम यदि दाएं तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस है, तो दाएं तरफ चले जाते हैं इक्वल के बाद तो पॉजिटिव हो जाता है। और यदि प्लस है और दाएं तरफ चले हम इक्वल के बाद ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल 5, यहां पे -4 है, यहां पे कर सकते हैं +4। अगर हम लिख सकते हैं इक्वल 3x बराबर 9x इक्वल 9 बाई 3, 3 जा 9, x बराबर 3 अंश। क्या हो गया? यानी हम कह सकते हैं कि 3 x का वैल्यू कितना हो गया? 3। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि 7y 2a पर पावर -4 और 7y 2a का 3x जो है, x का मान यदि हम 3 रखते हैं तो वह इतना प्राप्त हो जाएगा। ओके अब अगेन क्वेश्चन नंबर 15 है स्टैंडर्ड फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि यदि यहां पे आपका पॉइंट है, यहां पे आपका बिंदु है और इसको यदि यहां से इस साइड ले जाते हैं तो प्लस में होता है, और यदि यहां पे आपका बिंदु दिया हुआ हो और इधर आपको साइन लिखना हो तो क्या हो जाता है? माइनस में होता है। ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाता है आपको पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मान हमने बिंदु लिखा है, यहाँ पे हमको बिंदु देना है कहाँ पे? यहाँ 3 के पास में। तो इसको लिखेंगे 3.67 इज टू हाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर, देखेंगे गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन 3 6 7 0 0 0 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, यानी ये कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो हमने बताया कि यहाँ पे मान लिया जाए कि पॉइंट मान लिया और ये आपका बाएं दाएं तरफ से बाएं तरफ जब ले जाते हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यदि बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं यानी लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं तो आपका साइन निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3.67 इज टू 10 टू पावर 6।
आंसर। तो बस आज इतना ही था, आपका एक्सपोनेंट जो चैप्टर है चैप्टर दो ये पूरे तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है तो उसे फॉरवर्ड करेंगे वीडियो के माध्यम से। यदि जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज इतना ही तक, थैंक यू।